Hello students, I am Madhu Shrivastav. Today we are going to start our new topic Maxima and Minima. In previous class 12th, we have studied about maxima and minima of one variable and how to calculate the maxima and minima of the function. We have already studied all these things in class 12th. So let us start what is maxima and minima. In this class, we will study about the definition of maxima and minima of the function, necessary condition for existence of maxima and minima, working method, we will see applications and references. So first, we will discuss the definition of the maxima and minima. Maxima and minima, known collectively as extreme points, as the largest value or smallest value of a function in the given interval. मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट पर. देखिए, अगर ग्राफ आपका जो है अप पर जाता है तो टॉप पर जाकर पॉइंट का क्या मिलता है हमें, मैक्सिमा. मतलब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है और उसके लिए इंटरवल आपको ए और बी गिवन है, तो उस ए और बी में ऐसा एक कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर होगा जिसके लिए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी. लार्जेस्ट मैक्सिमम एंड लार्जेस्ट मिनिमम, मतलब उस मैक्सिमम वैल्यू के अलावा किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू और कहीं भी नहीं मिलेगी उससे ज़्यादा. सिमिलरली कि उस इंटरवल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही आपको मिनिमम मिलेगा, मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और बाकी पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू उससे कम ही होगी. ठीक है, तो हियर द वर्ड इज लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू एंड लार्जेस्ट मिनिमम वैल्यू. ठीक है, इस बात पर हमें फोकस करना है, और यही लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा कहलाता है और लार्जेस्ट मिनिमम वैल्यू क्या कहलाता है, मिनिमा कहलाता है. ठीक है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेट टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम टू वेरिएबल के लिए मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें एक्स और वाई के पॉइंट्स ऐसे ज़रूर मिलेंगे, कपल पॉइंट ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिसके लिए फंक्शन का मैक्सिमा मिलेगा और फंक्शन का मिनिमा मिलेगा. तो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ एफ ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एंड बी प्लस के फॉर ऑल एच एंड के. इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सारे पॉइंट से ग्रेटर देन ही होगी, ग्रेटर और इक्वल टू ही हो सकता है मगर लेस नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा, ये ए और बी कैसा होगा, मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा. और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा कि उसी ए और बी में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए और बी में अगर आपको मिनिमा मिलता है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, यानी कि एफ ऑफ ए बी इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एंड बी प्लस के. मतलब एफ फंक्शन की वैल्यू ए और बी पर सबसे कम मिलेगी. इसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू या तो आपको ग्रेटर मिलेगी या फिर इक्वल ही मिल सकती है. ठीक है ना, बट ए और बी पर क्या मिलेगी, सबसे कम मिलेगी, सबसे कम, और बाकी पॉइंट से सबसे कम जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो आपको ए और बी में मिलेगी. तो ए और बी क्या कहलाएंगे उस पॉइंट पर, मिनिमा कहलाएंगे. ठीक है, और उसी पॉइंट पर हम अगर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी उस फंक्शन की. नाउ लेट अस डिस्कस द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है ना, क्या नेसेसरी कंडीशन है कि अगर लेट जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय एक्स वाई be a function of two variables of x and y, then it represent the surface and partial derivatives del z by del x and del z by del y gives slope of tangent drawn to the curve at the point x y. At the stationary point, this slope will be zero. That is, slope ka matlab kya hota hai? Derivatives del z by del x and del z by del y. Slope ka matlab kya hota hai? Tangent. यानी कि रेट ऑफ चेंज. तो जिस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, ज़ीरो, वो कैसे पॉइंट कहलाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट. और इन्हीं स्टेशनरी पॉइंट्स पर आपको या तो फंक्शन का मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा. देखिए, स्टेशनरी पॉइंट आपको एक से ज़्यादा मिल सकते हैं. अब उन पॉइंट्स पर मैक्सिमा पर्टिकुलर किस पॉइंट पर मिल रहा है,
उन पॉइंट्स में से पर्टिकुलर किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा और किस पॉइंट पर मिनिमम मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, दस द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एट ए एंड बी आर डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि स्लोप विल बी जीरो, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज विल बी जीरो। इसको दूसरी भाषा में कहें तो रेट ऑफ चेंज, स्लोप एंड टेंजेंट, ये सभी चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट विल बी जीरो। तो दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर पर्टिकुलर पॉइंट। देखिए इसको ग्राफ से हम समझते हैं कि देखिए जैसे फर्स्ट जो ग्राफ फिगर दिया हुआ है उसमें ए और बी के अलावा हर पॉइंट पर आपको एक स्लोप मिल रहा है ना, मगर पर्टिकुलर ए और बी में जाकर जो कि एक स्टेशनरी पॉइंट है इस पर आपको स्लोप ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो फंक्शन की इंक्रीजिंग वैल्यू है और लेफ्ट हैंड साइड पर अगर इस पॉइंट के देखते हैं तो फंक्शन की डिक्रीजिंग वैल्यू है। ठीक है ना, तो फंक्शन की इंक्रीजिंग अगर लेफ्ट हैंड साइड के सबसे क्लोज पॉइंट पर इंक्रीजिंग वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फंक्शन की डिक्रीजिंग वैल्यू मिलती है तो वो ए और बी पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो कैसा हो जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो सेकंड ग्राफ, सेकंड जो मैंने फिगर बनाया हुआ है वो भी एक ऐसा पॉइंट है। अच्छा, इसको हम स्टेशनरी पॉइंट तो बोल रहे हैं बट इट इज़ अ मैक्सिमा, मतलब ये लोकल मैक्सिमा कहलाता है। लोकल मैक्सिमा में क्या होता है, लेफ्ट साइड इंक्रीजिंग होता है और राइट हैंड साइड डिक्रीजिंग होता है, और लोकल मिनिमा में क्या होता है, लेफ्ट साइड डिक्रीजिंग होता है और राइट साइड इंक्रीजिंग होता है। मतलब लेफ्ट साइड से हमें फंक्शन की जो है डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी किसमें, मिनिमा में, और राइट हैंड साइड पे इंक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी। तो फर्स्ट ग्राफ शोइंग अस लोकल मैक्सिमा एंड सेकेंड ग्राफ इज शोइंग अस लोकल मिनिमा। अब इसी लोकल मिनिमा और मैक्सिमा में से पर्टिकुलर जो पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू रखते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो फिर हमें जिस पॉइंट पर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मिलने लगती है फंक्शन की वो आपका मैक्सिमा कहलाने लगता है। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव फिगर इट इज़ क्लियर दैट द टेंजेंट एट ए एंड बी इज पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस इन बोथ, दस स्लोप इज ज़ीरो। ठीक है, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे टू वेरिएबल है तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा, सो डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, उसका ज़ीरो रहेगा। ठीक है, अब वर्किंग मेथड क्या रहेगी इसकी, ये तो हमने ग्राफिकली कॉन्सेप्चुअल हमने समझा, अब हम इसको ग्राफिकली वर्किंग मेथड इसकी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर हमें मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो भी फंक्शन z है वो, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट किस पे है, टू वेरिएबल्स पर, x और y पर, तो हम सबसे पहले z को x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि वो स्टेशनरी पॉइंट देगा, यानी कि उन पॉइंट्स पर जो है टेंजेंट क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो टेंजेंट ज़ीरो रहेगा तो क्या निकालेंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव हम निकालेंगे उसको इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे। इक्वल टू ज़ीरो रखने के बाद, क्योंकि डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो है और डेल जेड बाय डेल वाई इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, तो दे बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो और डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो आपका स्टेशनरी पॉइंट रहेगा, तो उसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर ए और बी। ठीक है, अब हमने जो है सेकंड डेरिवेटिव निकाला, क्योंकि टू वेरिएबल्स के लिए है तो सेकंड डेरिवेटिव तक हमें जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आर इक्वल टू आर को हम जनरली सेकंड डिफ्रेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं, यानी डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, टी जो हो जाएगा डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर और एस हो जाएगा डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। तो इन जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है,
इस तरीके से हमने सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव्स भी निकाल ली। अब हमने कैलकुलेट किया आर टी माइनस एस, आर टी और एस निकाल लिया। उसके बाद हम पर्टिकुलरली कैलकुलेट करेंगे आर टी माइनस एस। अब यहाँ पर तीन केस बनते हैं। अगर आर टी माइनस एस जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो फंक्शन जो है मैक्सिमा रखेगा। उसके लिए एक और कंडीशन होनी चाहिए कि आर जो आपने कैलकुलेट किया है वो पर्टिकुलर ए और बी पर लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जो भी आपने आर एस टी निकाला है इसमें आपको स्टेशनरी पॉइंट को पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद यदि आर टी माइनस एस ग्रेटर देन ज़ीरो मिलता है और आर लेस देन ज़ीरो मिलता है तो फंक्शन के फंक्शन क्या रखेगा, मैक्सिमा रखेगा उस पॉइंट पर ए बी पर। और अगर आर टी माइनस एस ग्रेटर देन ज़ीरो है बट आर भी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन ए बी पर कैसा रख क्या होगा, मिनिमा रखेगा। ठीक है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, मिनिमा ऑफ द फंक्शन। केस टू क्या हो जाएगा, अगर आर टी माइनस एस लेस देन ज़ीरो हो जाए तो ए और बी पर फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमा रहेगा और ना ही मिनिमा रहेगा, और वो पॉइंट जिस पर मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होता वो पॉइंट सैडल पॉइंट कहलाते हैं। तीसरा केस है कि अगर आर टी माइनस एस ए भी रखने के बाद ये भी हो सकता है कि वो ज़ीरो भी हो जाए, तो आर टी माइनस एस इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स देर इज़ नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी एंड हैंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देखिए मैंने इसको ग्राफिकली भी जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। इन अबव फिगर फर्स्ट ग्राफ देखिए, इसमें लेफ्ट साइड से इंक्रीजिंग वैल्यू मिल रही है और राइट साइड से सभी तरफ से, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल हमने ग्राफ बनाया हुआ है तो आप देखिए सभी किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाएँ तो लेफ्ट साइड से इंक्रीजिंग वैल्यू है उस रेड डॉट के, और राइट हैंड साइड पर डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी आपको फंक्शन की। तो क्या है वो रेड डॉट, कैसा है वो रेड डॉट, एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन की जो फंक्शन के पास क्या है, मैक्सिमा है, और उस पॉइंट की को अगर हम फंक्शन में रखते हैं तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली जो सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ में देखिए लेफ्ट साइड से डिक्रीजिंग वैल्यू है और राइट हैंड साइड से इंक्रीजिंग वैल्यू है सभी डायरेक्शन में, इसलिए उस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमा फंक्शन का मिनिमा मिलेगा आपको, फंक्शन का मिनिमा मिलेगा आपको। और अगर आप उस पॉइंट को फंक्शन में रखते हैं, मतलब इक्वेशन में रखते हैं, तो आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बट जो थर्ड ग्राफ है वो एक ऐसा ग्राफ है, देखिए थ्री डायमेंशनल में आपको दिखेगा कि एक साइड से तो इंक्रीजिंग है और दूसरी तरफ से डिक्रीजिंग है, चार साइड्स आपको दिख रहे हैं तो इसमें से दो साइड में इंक्रीजिंग दिख रहा है और दो साइड्स में डिक्रीजिंग दिख रहा है। तो लेफ्ट राइट करके अगर आप इनको देखेंगे तो एक तरफ में इंक्रीजिंग तो उसी के ऑपोजिट साइड में डिक्रीजिंग, और जब सेकंड डायरेक्शन में जाते हैं तो सेकंड साइड लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग और दूसरी तरफ से इंक्रीजिंग। इट मीन्स कि जो थर्ड ग्राफ है ये जो है आपका सैडल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि सैडल पॉइंट में ना तो इंक्रीजिंग ना तो मैक्सिमा मिल पाता है प्रॉपर, ना तो मिनिमा मिल पाता है, मतलब इसमें हम कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल बी रिक्वायर्ड, मतलब उसमें हमें और थोड़ा वर्क करना पड़ेगा अगर हमें सैडल पॉइंट मिलता है तो। तो ये तीनों ग्राफ से आप मैक्सिमा मिनिमा और सैडल पॉइंट अच्छे से समझ चुके हैं। लेट्स सी, अच्छा इन टॉपिक्स को हमने ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इनको पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए मैं जो आपको रेफरेंसेस बता रही हूँ, बीएस ग्रेवाल, डीसी अग्रवाल, डीके जैन, इनमें से ये तीनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं, तीनों में से आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो आज हमने बेटा स्टूडेंट्स हमने जो है मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा, उसकी नेसेसरी कंडीशन पढ़ी, ग्राफिकली हमने उन चीज़ों को समझाया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।